हाथरस के सिकंदरा राव में अग्निशमन अधिकारी केपी सिंह ने आतिशबाजी की दुकानों पर चेकिंग अभियान चलाकर किसी भी परिस्थिति में आग की घटना से निपटने के लिए दुकानदारों के द्वारा किए गए इंतजाम को चेक किया। साथ ही आतिशबाजी की दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी अग्निशमन अधिकारी सिकंदरा राव केपी सिंह ने जागरूक किया। आपको बता दें, मुख्यालय उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा लखनऊ के महानिदेशक अग्निशमन अविनाश चंद्र तथा आपात सेवा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के निर्देशन में 18 अक्टूबर से 4 नवंबर 2014 तक स्कीम नंबर 21 लागू की गई है। इस स्कीम के तहत सभी मुख्य अग्निशमन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह अपने अपने क्षेत्रों में जाकर विस्फोटक पटाखों को स्टोरेज करने वाले स्थान का निरीक्षण कर रिपोर्ट शासन को सौंपे। इसी क्रम में बुधवार को हाथरस के सिकंदरा राव में जीटी रोड स्थित लाला के नगला में स्थित आतिशबाजी की दुकानों का सिकंदरा राव के अग्निशमन अधिकारी द्वितीय केपी सिंह ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकानों पर अग्निशमन अधिकारी केपी सिंह को सभी मानक पूर्ण मिले। इस पूरे मामले को लेकर उप जिलाधिकारी सिकंदरा राव और पुलिस क्षेत्राधिकारी श्यामवीर सिंह एवं अग्निशमन अधिकारी केपी सिंह के द्वारा नगर में आतिशबाजी की दुकानों की जांच पड़ताल कर ली गई है। मानक के आधार पर सभी सुविधा दुकानों पर उपलब्ध है, जिसको लेकर पूरी रिपोर्ट बनाकर एवं दुकान स्वामियों के लाइसेंस और अन्य दस्तावेजों के साथ जिलाधिकारी हाथरस राहुल पांडे को सौंप दी गई है। दुकानों पर हुई चेकिंग को लेकर जेपी ट्रेडर्स के मालिक ललित कुमार के द्वारा बताया कि शासन द्वारा जारी हम सभी आदेशों को फॉलो कर रहे हैं। हमारे यहाँ आग पर काबू पाने के लिए पर्याप्त मात्रा में यंत्र और अन्य उपकरण मौजूद है। आपका नाम क्या है? लाल सिंह चौहान। पिताजी का नाम? नीलम सिंह। आप कहाँ से आए यहाँ पर पटाखे लेने? कचौरा। ये बताइए, जेपी ट्रेडर्स पर इस वक्त जो सुविधाएं वो कैसी हैं? एकदम उच्चतम व्यवस्था है, एकदम आगजनी के लिए सब व्यवस्था होके एकदम। अच्छा, यहाँ पर अधिकारी भी आए हुए, तो उन्होंने आपको क्या निर्देशन दिए? निर्देशन जो कुछ भी इनके यहाँ चीजें चेक हुई है सब एकदम पूरी निकली है, एक्यूरेट है जी। किसी भी हादसे से जूझने के लिए तैयार रहेंगे? बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? जुनैद खान। मैं जानना चाहूंगा कि जो जेपी ट्रेडर्स है जी, यहाँ पर क्या क्या सुविधा अवेलेबल है आग बुझाने को लेकर? यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं हैं, फायर ब्रिगेड के जैसे भी ये है, क्या नाम है, बाल्टी है, और क्या नाम है, ये टंकी वंकी लगा रखी है उन्होंने फायर तरीके से, और बहुत समय इनसे कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ, और इनके साथ पूरे सिकंदरा राव में सबसे पर्याप्त साधन है आग बुझाने के। हमें ये सूचना मिली थी कि यहाँ पर कोई भी सुविधा अवेलेबल नहीं है, जिसको लेकर हम यहाँ पर इसकी रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। ये गलत, ये सरासर गलत सूचना है। जेपी ट्रेडर्स है, मैं काफी सालों से जुड़ा हुआ हूँ, और ये सब फेक है, इनके खिलाफ चार्ज के तहत करा गया है, लेकिन ये गलत है, यहाँ पर सारी सुविधाएं मौजूद है। आप इनके मुझे लगता है पड़ोसी हैं? तो पड़ोसी हूँ, मैं ये रहता हूँ पास में ही रहते हैं। अगर यहाँ कोई हादसा होता है तो उसके निपटने के लिए तैयार है? बिल्कुल, पूरी तरीके से इनके पास टीम एक तैयार रहती है, और सारी सुविधाएं जो भी आपके आतिशबाजी से रिलेटेड है सब सुविधाएं मौजूद है। आपका नाम क्या है? ललित कुमार। ये आपके यहाँ जो अग्निशमन अधिकारी जो वो किए निरीक्षण, इसके बारे में जानकारी दे। सब जानकारी यही है कि ऊपर से जिस तरीके से लखनऊ से आदेश आए हैं फायर ब्रिगेड के, फायर एक्सटिंग्विशर के, वही सारे मानक मेरे पूरे हैं। आप क्या सारे पूरे हैं? जी सर। जैसे कि सूचना मिली थी कि आपकी हॉस्टल में पानी नहीं आ रहा, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल पानी है, मोटर भी लगी हुई है, हॉस्टल में पानी भी है, 5000 लीटर की टंकी भी रखी हुई है जी, आप चेक कर सकते हैं। लगभग कितने एक्सटिंग्विशर आपके पास है? 12 है जी। 12 एक्टिव है, 12 एक्टिव है, जिसमें एक CO2 भी है जी। लगभग कितनी लेबर है आपके? करीब 5 लेबर है सब। बालू और पानी के स्टॉक को लेकर क्या कहेंगे आप? सब मेरे पास पूरा स्टॉक है, बालू भी लगी हुई है और पानी के भी 2-2 ड्रम लगे हुए हैं, ऊपर मोटर भी लगी हुई है, समर भी लगी हुई है, सब सारी व्यवस्थाएं हैं। अरे किसी भी परेशानी से जूझने को तैयार जी, अगर किसी भी तरह की कोई आगजनी होती है तो उसके निपटने के लिए ज्यादातर इंतजाम हमारे पास मौजूद है, और उन सारी चीजों का, फायर एक्सटिंग्विशर का हम इस्तेमाल करने के लिए सारी जितने भी हमारे कारीगर हैं, वर्कर हैं, सब एक्सपर्ट हैं, सब प्रशिक्षण से तैयार हैं, लावालेश हैं। मुख्यालय उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवाएं लखनऊ, जिसमें हमारे महानिदेशक श्री अविनाश चंद्र सर के आदेश हैं 18/10/2024 से 4/11/2024 तक स्कीम नंबर 21 लागू की जाती है, जो मेरे द्वारा सिकंदरा राव में आतिशबाजी के जितने विस्फोटक की दुकानें हैं और विक्रय की दुकान है, उनका प्रतिदिन मैं निरीक्षण कर रहा हूं, जिसमें साहब के निर्देश है कि फायर ऑडिट कर जानकारी देते हुए और अवगत कराएं, जागरूक
वह संबंधित ये जनता खड़ी है, इनको इनको मेरे द्वारा जागरूक किया जा रहा है, पर्चे बंटवाए जा रहे हैं, पंपलेट भी बांटी जा रही है। जेपी ट्रेडर्स पर क्या क्या कमियां पाई गई या क्या क्या चीजें पूरी पाई गई? जेपी ट्रेडर्स के पास जब मैं चेकिंग में आया तो यहाँ पर एक्सटिंग्यूशर है, जो सामने एक्सटिंग्यूशर है वो बिल्कुल सही मात्रा में है, उनका प्रेशर सही है और सेंसर वाले एक्सटिंग्यूशर अंदर टंगे हुए हैं, और इनके यहाँ हॉजरील है, ऊपर टंकी है 5000 लीटर की, जिसमें मोटर 3.5 LPM की लगी हुई है। आपके हिसाब से लगता है कि सारी सुविधा अवेलेबल है? हाँ, फायर सर्विस की सुविधा सब अवेलेबल है। अभी मैं इनको इवैक्शन ड्रिल के संबंध में मैं जानकारी और दूंगा।